हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे हों। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ट्यूटोरियल ऑन दिस आई लुक। ये करीना कपूर खान इंस्पायर्ड आई लुक है एंड शी इज़ अ रियली टैलेंटेड एक्ट्रेस। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सबसे पहले मैं अपने आईज़ को प्राइम कर रही हूँ मेबलिन का कंसीलर यूज़ करके, दिस इज़ इन द शेड मीडियम। उसके बाद मैं सेट कर रही थी अपने आईलिड्स को बाई यूजिंग वेट एंड वाइल्ड पाउडर। अब मैं अपने क्रीज को डिफाइन कर रही हूँ। नायका का बीच साइड पीच पैलेट यूज़ किया है मैंने और उसमें से ब्राउन टोन का मैट आई शेडो यूज़ करके मैं अपने क्रीज पे अप्लाई कर रही थी। अब मैं नायका का आई एम ब्लैक काजल यूज़ करके अपने वाटर लाइन पे उसे अप्लाई कर रही हूँ और सेम काजल मैं एक लाइनर की तरह अपने अपर लैश लाइन पर भी अप्लाई करूँगी। आप किसी भी ब्रांड का काजल यूज़ कर लो, मुझे नायका के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं और इसीलिए मैंने इसे यूज़ किया है। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, नायका को पता भी नहीं होगा कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ। ओके, नाउ आई एम जस्ट स्मजिंग द काजल। अभी अपर लैश लाइन पे मैंने जो काजल लगाया था उसे स्मज कर रही हूँ मैं। आप फिंगर से भी ये सब कर सकते हो पर मुझे थोड़ा सा प्रिसीजन चाहिए था इसलिए मैं हल्के हाथों से काजल को स्मज कर रही हूँ एक डेंस ब्रश की मदद से। और अब मैं लोअर लैश लाइन पर भी जो हमने काजल लगाया था ना उसे स्मज कह लो या ब्लेंड कह लो वही कर रही हूँ ताकि ये हार्श ना दिखे। ऐसा करने के बाद मैं वापस से काजल को अप्लाई करूँगी, थोड़ा सा इंटेंसीफाई करूँगी इस आई लुक को ताकि और अच्छा लगे। कमेंट सेक्शन में बताना मुझे ज़रूर से कि आपका फेवरेट काजल कौन सा है और आपको ऐसे आई लुक्स कैसे लगते हैं, करीना कपूर आपको कैसे लगती हैं, उनकी एक्टिंग कैसी लगती है या आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है जिसमें करीना कपूर थी। मुझे तो जब भी मेट में उनका गीत वाला कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है, इट इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट, आई एब्सोल्युटली लव्ड हर रोल इन दैट। ओके, चलो लेट्स गेट बैक टू द आई लुक। अभी मैं जो पीच साइड पीच पैलेट है नायका का उसमें से ऑरेंज मैट आई शेडो को एक एंगल ब्रश पे लेके अपने लोअर लैश लाइन पे रन कर रही हूँ ताकि ऊपर जो हमने क्रीज पे शेड लगाया था और जो लोअर लैश लाइन पे लगा रहे हैं वो सेम हो और एक बैलेंस्ड आई लुक मिले। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैंने काजल को फिर से रीअप्लाई किया है हार्श जिसको अभी मैं सॉफ्टन कर रही हूँ। और अब मैं अपनी पसंद का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, ये है एसेंस कॉस्मेटिक्स का लैश प्रिंसेस मस्कारा। ये लेंथन भी करता है मेरे लैशेस को और वॉल्यूमाइज भी करता है। 350-350 रुपये का आता है ये मस्कारा और मैं तो इसे बहुत सालों से यूज़ करती आ रही हूँ, फिर से खरीदती आ रही हूँ। आपने इसे ट्राई नहीं किया तो डेफिनेटली ट्राई करो, आई हाईली रिकमेंडेड। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ निक्स का स्वेड लिप लाइनर इन द वेरिएंट कैंस, इट्स अ रियली ब्यूटीफुल लिप लाइनर, पिंक कलर का लिप लाइनर है। और अगर करीना की लेटेस्ट पिकअप देखेंगे ना तो उसमें उन्होंने एक सैटिन फिनिश की लिपस्टिक लगा रखी है, तो मैंने सोचा कि चलो पहले लिप लाइनर यूज़ कर लेते हैं और फिर सैटिन फिनिश की लिपस्टिक लगाएंगे। तो मैं अभी लिप्स को अच्छे से अलाइन कर रही थी और अब उसी लिप लाइनर की मदद से मैं फिल भी कर रही हूँ। ऐसा करने से जब आप लिप प्रोडक्ट लगाते हो ना तो अगर लिप प्रोडक्ट हट भी जाए ना तो थोड़ा सा लिप लाइनर रह जाता है लिप्स पे। अभी मैं मैक की लिपस्टिक इन द शेड वेलवेट टेडी अप्लाई कर रही हूँ और मैक का ही लिप ग्लास अप्लाई कर रही हूँ अपने लिप्स पे, मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। और मैं फ्लावर ब्यूटी का ब्लशर इन द शेड स्ट्रॉबेरी क्रश अप्लाई कर रही हूँ। इसे मैंने रिसेंटली ख़रीदा 1000 रुपये देके एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद दिस वन। इसमें ज़्यादा कलर नहीं है, बस ग्लो देता है, दैट्स व्हाट इट डस। एंड मैंने ऑलरेडी फर्स्ट इंप्रेशंस वीडियो आपके साथ शेयर किया है, जाके देख लो शॉर्ट्स पे। दैट्स इट, आज का आई लुक रेडी हो चुका है। आप मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको ये आई लुक कैसा लगा, वेरेबल लगा नहीं लगा, जो कुछ भी है कॉमेंट में ज़रूर से बता देना। और मैं बहुत ही खुश हूँ इस आई लुक को लेके, बहुत ही ज़्यादा प्राउड भी हूँ कि मैं इस आई लुक को क्रिएट कर पाई। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई channel and support me. I'll see you soon in my next one. Take care. Bye-bye.